बहुत सर्दी है भाई, ठंड लग रही है आपके तो यार। मिशन पेंगोंग लेक 512 किलोमीटर बाद। ये इनको क्या हुआ? अच्छा होने से पहले कुछ बुरा हो रहा है। एंकर कांप रहे हैं। जिसपा में कैंपिंग कैसे करेंगे? मतलब है ना सुबह 4:45 बजे है ना, वो मुर्गे बोल रहे थे यहाँ पे यार। सुबह 4:45 बजे नींद खुली, 1 बजे तो सोए थे। और ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, देखें आप, सनराइज हो रहा है, क्लाउड्स हो रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री हो रहा है अभी। इधर माउंटेन है हमें सुंदर नगर में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुंदर नगर। है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन एक्सप्लोरर 1002। कैसे आज? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और भैया पहाड़ों में हूँ, पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। मुर्गे बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, अभी बंद हुए हैं, अभी बोल रहे हैं। बल्कि वो देखो, ये दिखाऊं मैं आपको मुर्गे कहाँ हैं। ये रहे मुर्गे, ये बोले जा रहे भैया, बोले जा रहे। ये रहा एक उधर उस साइड में रहा। ये दोनों के कंटिन्यूअसली है ना आवाज आ रही थी भैया, कुकड़ो को बोले जा रहे थे। सही है यार भाई, वो इसलिए बोल रहा है कि आओ मुझे लेके जाओ, आओ मुझे लेके जाओ। आज जो है हम जिसपा में हमारी कुकिंग करने वाले हैं, बाकी तो आपको आने वाले वीडियो में पता लगेगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। है जी, चलो फटाफट रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपको जिसपा में, और रास्ते के खूबसूरत नजारे दिखाएंगे आपको। अरे चौधरी साहब, क्या हो गया यार? सर्दी बहुत सर्दी है भाई, ठंड लग रही है आपके तो यार। है रजा उड़ के सो रहे आप तो? एसी बंद करूँ क्या यार? पहाड़ों में आके भी जो है एसी चलाना पड़ रहा है, इसके अलावा और क्या चलने रहे? अभी तो ठंड मतलब लगनी चाहिए कि पहाड़ों में हम 8 बज रहे हैं गाइस, चेकआउट कर दिया है। अब निकलते हैं सीधा जिसपा के लिए। हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी। हाँ चलो चलते हैं जिसपा, घुमाएंगे और रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे आपको। ये यहाँ का डाइनिंग है, होटल मिड टाउन सुंदर नगर। बस एक ही कमी लगी मेरे को, सब कुछ बढ़िया है। एसी फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा था, नीट एंड क्लीन रूम थे, मैट्रेस बहुत बढ़िया था। बस एक ही कमी है कि लिफ्ट नहीं है, और ये स्टेयर्स से होके हमें फोर्थ फ्लोर पे। रोड अच्छा लग रहा है यार, इसी पे तो चला रहे थे वो ऋतिक रोशन साइकिल, करीना कपूर ऋतिक रोशन से साइकिल चलाते सुंदर नगर, यही तो है वो यार। अब नाम ही सुंदर नगर है तो सुंदर तो होगा ही सही ना। तो सुंदर नगर से जो है जिसपा का हमारा डिस्टेंस 220 किलोमीटर का है, और अप्रोक्स 6-7 घंटे में लगेंगे। रोहतांग पास हम नहीं जाएंगे, हम अटल टनल होते हुए ही जिसपा के लिए निकलेंगे। तो कितना दिखाएंगे रोहतांग पास, इससे पहले जो स्पीति वैली ट्रिप अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। और उसमें रोहतांग पास हमने बढ़िया फ्रेश स्नो दिखाई थी रोहतांग के टॉप पे जाके। ब्रंच बढ़िया हो गया अपना, पराठे ऑमलेट बहुत तगड़ा, छाछ सबसे बेहतरीन थी इसकी। चलो जिसपा मिशन पेंगोंग लेक, लबालब करवा दिया है, 26 लीटर डीजल आया है। अब माइलेज बता दें आपको, 260 किलोमीटर चल लिया, 259 भैया। एक्चुअल जो माइलेज निकला है वो निकला है 9.7 का, और डिस्प्ले में आ रहा है 10.8, मतलब 1 किलोमीटर का वेरिएशन आया। गाइस फाइनली मनाली 86 और ले 512, मिशन पेंगोंग लेक 512 किलोमीटर बाद। गाइस एक और आरजे की गाड़ी मिली हमें, देखो आरजे 23 टनल है अपनी, जो हाईवे वाली जो बन रही है, देखो आप ऊपर से जा रहा है वो, यहाँ खुलेगा उधर से, जो था ना जो ड्रिलिंग चल रही थी वो यहाँ पे। हैंगिंग ब्रिज देखो, पहाड़ का पहाड़ ही ले जाए एकदम है यार इसमें तो यार, है ना अंदर घुसते ही आनंद आ गया भाई साहब। टनल नंबर 11 है ये, बीच की टनल है खागे। हमने 6 तो कल क्रॉस कर ली थी पिछले वाले ब्लॉग में, देखा होगा आपने। और ये तो यार खूबसूरत लग रही है भाई यार, जबरदस्त है, ज्यादा स्पीड नहीं, स्पीड टनल और बन जाएगी बहुत जल्दी। अरे क्या अल्टीमेट लग रहा है यार, वो माउंटेन और गुलमोर के पेड़ फ्लावर बेहतरीन लग रहा है यार, खूबसूरत लग रहा है। अब जो है क्लाउड्स हो चुके हैं और मनाली जो है यहाँ से 58 किलोमीटर बचा हुआ है। ये पर्पल फ्लावर का लोग वो ले लिया जाए, गुलमोर बहुत बेहतरीन, क्या खूबसूरत लग रहा है सामने का पहाड़। पता नहीं यार कैमरे में ज्यादा अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और ये वाला पहाड़ तो वास्तव में
कश्मीर के पहाड़ की तरह लुक आ रहा है। ग्रीन ग्रीन ग्रास उग जो उग रही है ना पूरे माउंटेन पे, बेहतरीन लग रही है। और जो सनलाइट पड़ रही है ना उसके बाद अलग लेवल का नज़ारा निकल के आ रहा है यार। ये राजस्थान वाले बहुत आ रखे हैं यार। एक और आरजे स्कोर पे जा रही थी क्योंकि राजस्थान में जो है भट्टी बनी हुई है, अभी नौतपा चल रहा है। गाइस एक पुल दिखा देता हूँ आपको, रिवर वेरी है और रिवर राफ्टिंग हो रही है। इधर का देखो नज़ारा। माइक एक वजह से यूज नहीं किया ताकि नेचुरल आवाज आए आपको रिवर की, पर ये रिवर राफ्टिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऋषिकेश के सामने। और लेह की रिवर राफ्टिंग करने का मेरे दिमाग में तो है, लेकिन मेरे जो साथी गण है वो मना कर रहे हैं, कह नहीं भैया पैसे दे के आफत मोल नहीं लेनी है। ये इनको क्या हुआ? अच्छा नहा रहे हैं। मैंने कहा भाई डर लग रहा है क्या यार। सामने देखो, अरे आप सामने का नजारा ही नहीं देख रहे यार, क्लाउड देख रहे हैं। इधर तो धूप हो रही है और उधर क्या शानदार देखो क्लाउड्स, यार रिफ्लेक्शन आ रहा है यार, सन रिफ्लेक्शन है। आगे भैया आंधी तूफान आगे भाई, कितना प्यारा, कितना ग्रीन, कितना डेंस है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मजेदार, मजेदार लिज्जत पापड़ क्रम को। गर्मी में जहाँ पापड़ सिक रहे हैं अपने, वहाँ इतना ठंडा महसूस हो रहा है। आप कॉलेज की लड़कियां हैं, देखो यहाँ की हिमाचल की भैंसे भी जो है ना, हिमाचल की भैंसे भी देखो अभी काली नहीं है, गोरी गोरी है, बुरी बुरी। गाइस कलम 50 डिग्री में थे और आज 26 डिग्री में आ चुके हैं। तो 50 डिग्री से 26 डिग्री में आने के लिए हमें 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। और मनाली यहाँ से 19 किलोमीटर है, लेकिन हम मनाली नहीं जा रहे हैं, मनाली को बाईपास करते हुए सीधा जाएंगे जिस्पा। देखिए नजारे एक नंबर है। भारत देश की खूबसूरती है कि एक जगह 50 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन भारत देश में ही हम ऐसी जगह आ गए जहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर। बिल्कुल ये भारत देश की खूबी है, इसलिए तो अपना भारत देश महान है, महान है। लेकिन 100 में से 99 बाकी वेदर चेंज हो चुका है, हवा चल रही है और एप्पल ट्रीज पे है ना ग्रीन ग्रीन, छोटे छोटे से एप्पल आ रखे हैं, छोटे छोटे से। और मनाली में क्यों नहीं जा रहा हूँ ये आप लोगों को भी पता होगा, मनाली जो है मैं 7वीं बार आ रहा हूँ, ये जो अभी ये है 7th time है मेरा जब मैं मनाली आया हूँ। इस वजह से मेरा मनाली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैंने सब कुछ देख रखा है। और इससे पहले जब मैं स्पीति ट्रिप पे था तब मैं काजा मनाली होते हुए आया था, वापस कोटा जो आया था, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको मनाली दिखा दिया था। गाइस 12:12 हो रहे हैं और टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्री, और हम कल निकले थे कोटा से जब था 50 डिग्री, और आज हम उसके आधे टेम्परेचर में आ चुके हैं मनाली की तरफ 25 डिग्री पे। तो एक दिन में अपन ने 25 डिग्री कम कर लिया टेम्परेचर को, और अभी जो है आने वाले टाइम पे 0 डिग्री पे भी जाएंगे। आप देखेंगे इस सीरीज में, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। और ये जो अपनी लेह मिशन पेंगोंग लेक वाली जो सीरीज चलेगी इसका लुफ्त उठाइए। अच्छे बने हुए हैं नहीं, प्रॉपर्टी सारी अच्छी मिलेगी, प्रॉपर्टी सारी अच्छी मिलेगी यार। आप देखो ना कि जगह कितनी सुंदर है, और सामने अगर आपको दिख रहा हो स्नो माउंटेन पे क्लाउड्स हो रहे खतरनाक वाले, पता नहीं आपको कैमरे में नजर आ रहे नहीं आ रहे हो, कैमरे में नहीं दिखेगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? ठंड में बिल्कुल कांप चुके हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर से 25 में आ चुके हैं। हालांकि इसके लिए 1000 किलोमीटर चलना पड़ा है, और अब और डाउन जाते जा रहे हैं, और ठंड के मारे अब कांप रहे हैं, टी शर्टें बहुत जल्दी खुलेगी, जर्किने निकलेंगी, टोपियां मफलर। गाइस बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और उधर से जो गाड़ी आ रही है ना वो बढ़िया भीगते हुए आ रही है, मतलब उधर बहुत तेज बरसात हुई है मनाली की तरफ। सामने स्नो माउंटेन मनाली में बिल्कुल ताजा, बिल्कुल फ्रेश क्या है, चेरी का आनंद ले रहे हैं गाइस। देखिए पूरा बॉक्स ही ले लिया हमने 100 रुपए में, और बारिश हो रही है, पूरा बॉक्स ले लिया, पूरा आनंद ले रहे हैं भाई। गाइस वन वे है इस जगह पे,
रोड बहा हुआ है, इस वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। करीब 20 मिनट करीब हो गया हम इस रोड पे चल रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा और बाकी है। जाम में फंसेंगे फिर इसके बाद कुछ अच्छा भी मिलेगा अपने को। अच्छा होने से पहले कुछ बुरा हो रहा है। 1:30 बज गए और हम ट्रैफिक जाम से निकल चुके हैं, मतलब रोहतांग रोड पर लग चुके हैं हम। सामने स्नो माउंटेन नजर आ रहे होंगे अगर आपको, हमें तो आ रहे हैं, पता नहीं कैमरे में दिख रहे हैं। ट्रैफिक जाम में थोड़ा सा मतलब पजल्ड हो गए थे, इस वजह से ये सुकून भरा नज़ारा देखने के लिए रुक गए। देखें आप भी क्या वेदर हो रखा है, क्या वेदर हो रखा है यार, एक नंबर वेदर हो रखा है गाइस। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जिस पार तक इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। और मज़ा आया ना, सुकून मिल गया यार। मतलब कोटा में जो बट्टी जल रही थी ना, यहाँ आए बाद तबीयत खुश हो गई भाई। अच्छा। क्यों डॉक्टर साहब, क्या बोलना है आपका? बिल्कुल सर। राजस्थान वाले खूब मिल रहे हैं हमें यार। देखो आप, आरजे 45 नंबर गाड़ी है भाई। रोहतांग टॉप पे तो 100% स्नोफॉल या मतलब फुर्रे आ रहे होंगे यार, स्नो के स्नो फ्लेक्स जो आते हैं ना वो हो रहा होगा यार, जिस हिसाब से वेदर हो रहा है यहाँ का। और हमारे मामा जी फुल एंजॉय करते हुए। ठंड ठंड लग रही है आपको यार? भयंकर कांप रहे हैं। फिर वहां पे क्या हालत होगी अभी बर्फ में? हाईवे हाईवे ग्लाइडिंग वगैरह सब सारी चीजें होती है यहाँ पे। सोलांग वैली है। बर्फ तक जा रहे हैं? नहीं बर्फ पे नहीं जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? बस ये ऐसे ही यही एडवेंचर करा रहे हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे। और क्या टाइम हो रहा है, 2:19 और सोलांग वैली पहुंचे अभी तो। जंगली हो, जंगली घोड़े है? अरे कोई जंगली, अरे जंगली है, वहाँ क्या लेने जाएंगे नहीं तो घोड़े। फालतू वाले तो पकड़ के बैठे रहते हैं वहाँ पे वो। भाई साहब सामने का फाड़ू वेदर देखो यार, है ना खतरनाक। अल्टीमेट हो रहा है भैया, अल्टीमेट हो रहा है। टाइम अभी सिर्फ 2:25 हो रहे हैं और वेदर ऐसा हो रहा है जैसे तो बस 6 बज गए हो शाम के, अंधेरा होने वाला हो, इतना ज्यादा क्लाउडी हो रहा है। देखो आप, बूंदे आ रही है, ड्रिजलिंग हो रही है और बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ट्रीज सब इतने नहाए धोए हुए लग रहे हैं, बढ़िया। क्यों? बहुत ही ग्रीन भाई, सुपर ग्रीन, और ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल फ्रेश वातावरण, हाँ नेचुरल बिल्कुल। सुबह के 6 बजे हूँ ऐसा, सुबह 6 बज रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सुबह के 6 बज रहे। तो गाइस सामने वो का झरना देखो किस ऊंचाई से आ रहा है वो, अब वो कह मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर का लग रहा है। एक झरना इससे पहले भी था, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हवा चल रही बहुत तेज, आउटसाइड टेम्परेचर जो बता रहा है गाड़ी में वो बता रहा है 17 डिग्री, लेकिन हमें तो लग रहा है इससे भी कम है। और जिस जगह हम आज जिसपा में जहाँ रुकने वाले हैं, तो जिसपा में मान के चलो आप 4-5 डिग्री के आसपास होगा। गाइस अटल टनल आ रही है सामने से, बंद करूँ क्या मामा जी? बंद करना सनरूफ और क्या, एक नंबर है ना नजारा तो। उधर स्नो के माउंटेन और सामने अटल टनल। पिक्चर में आएगा अम्मी, अम्मी आगे ना यार, आगे ना आगे आगे। इधर हमारा देख लो आप, डुअल शूटिंग चल रही है फ्रंट और बैक कैमरे की, और ये अटल टनल के अंदर हम एंट्री ले लिया। पानी बारिश आ रही है यार, हमने अटल टनल क्रॉस कर लिया है और पानी पानी आ रहा है यार, बारिश हो रही है यार साला। अब अपन जिसपा में कैंपिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? इनके लिए क्या है फर्स्ट टाइम है, तो ये बरसते पानी में भी जो है फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो अपन तो यार सातवीं बार आ रहे हैं मनाली। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और 9 डिग्री हो रहा है आउटसाइड का टेम्परेचर, और ये नजारे हैं मनाली ले हाईवे के। उधर रिवर बेरी है, इधर आसमान से बादल बरस रहे हैं भाई, और अपनी स्कॉर्पियन चल रही है। आरजे नंबर की गाड़ियां खूब मिल रही है भैया, हमारे राजस्थान वाले बहुत आ रहे हैं, शानदार चल रही है स्कॉर्पियन। तो भाई साहब क्या बताया, एक नंबर परफॉर्मेंस है स्कॉर्पियन का, एक नंबर गाड़ी कंपेयर है ना, पास कर दिया हमारे शेखर अन्ना ने, और क्या चाहिए। बाकी नजारे अब बारिश में जितने दिखा सकता हूँ आप यही है गाइस, इसी को एंजॉय करो। मनाली ले हाईवे दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इस वीडियो को मैं अब जो है 2 पार्ट में करने वाला हूँ, ठीक है।
क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको दो पार्ट में करेंगे अपन, एक मनाली तक का और एक मनाली से जिस्पा तक का। ठीक है गाइस,